हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के एमपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में जरूर आएंगे। इस ईयर के एग्जाम में मुझे आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं इन क्वेश्चनों में से। और रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी मेरे चैनल पे अभी नया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसमें सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है दोस्तों, वो बनाया है कि इफ tan a इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन, सो दैट tan a अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू अपॉन फोर। इसके अंदर आप रूट टू माइनस वन रख देंगे tan a की जगह पर और सॉल्यूशन कर देंगे स्क्वायर करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड है, इफ cot a इक्वल्स टू b अपॉन a, प्रूव दैट टू sec a प्लस वन अपॉन cos a प्लस टू इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। दोस्तों, यहां से cot a की वैल्यू हमें गिवन है, यहां से आप एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल का मतलब है कि cot a क्या होता है हमारा, cot a होता है हमारा, जैसे कि अगर किसी को याद ना हो तो वो अपने एग्जाम में जरूर लिख ले कि p b p अपॉन h h b। इसको कुछ ट्रिक्स ऐसे बनाते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर इसमें cot देखना है तो आपको पता है कि cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तो हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, और यहां से ये जो वैल्यू निकल के आएगी हाइपोटेनस की, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब आपके पास ये आ जाएगी तो आपको sec और cos की वैल्यू चाहिए, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन cos tan cot sec। sec होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस आप इसको यहां पे रखोगे क्योंकि a हमारा यहां पर है, बेस हमारा a है, ये रखोगे और cos की वैल्यू ये रख, cos की वैल्यू निकालेंगे बेस अपॉन हाइपो, तो यहां से दोनों वैल्यू निकाल के इसमें और यहां पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ sec इक्वल्स टू 5 अपॉन 4, प्रूव दैट, इसके लिए भी सेम प्रोसेस लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। sec के लिए हमारे जो फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो यहां से अगर मैं हाइपोटेनस अपॉन बेस रखूंगा तो यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, बट इस कंडीशन में एक ऐसा है कि अगर आप वो बनाते हो डायग्राम तो वो प्रॉपर आ नहीं पाएगा, तो यहां से क्या है कि आप पहले sec को tan में चेंज कर लेना आइडेंटिटी के थ्रू, और sec को रिवर्स करके cos में चेंज कर लेना, यहां पे पुट कर देना आंसर आ जाएगा। cos a इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन tan a, सेम प्रोसेस है, cos a की वैल्यू गिवन है, डायग्राम बनाएंगे वैल्यू रख देंगे। ये ऊपर के चारों क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। नेक्स्ट है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, क्यू पर एक राइट एंगल हमने बनाना है, इन दोनों को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको कि ये गिवन है हमें कि पी आर और क्यू आर 25 है, तो आप अगर इसको एक्स लेट करते हो तो ये हमारी 25 माइनस एक्स हो जाएगी, और पी क्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 5, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आने पर यहां पुट कर देंगे दोनों वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो दैट टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। यहां से क्या है, इस पूरे क्वेश्चन को करने का तरीका यह होता है कि या तो आप पहले इस पूरे को साइन साइन में कन्वर्ट कर लो, या पूरे को आप कॉस कॉस में कन्वर्ट कर लो। वो तरीका क्या होता है कि इसकी आइडेंटिटी आप तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर उनकी आइडेंटिटी तोड़ लेंगे, जो कि कॉस में साइन में हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वहां से साइन की या कॉस की वैल्यू आप निकाल लोगे, उससे फिर कॉस की भी निकाल लोगे दूसरी वाली वैल्यू, साइन कॉस के आने के बाद आप आराम से टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी, सो दैट दिस, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें कि पहले आप ये चेक कीजिएगा कि ये जो tan थीटा दिया हुआ है अब ये कैसे यहां पर बन जाए, और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दूं, मतलब यहां पर भी cos लगा दूं, यहां पर भी cos लगा दूं अपॉन में, यहां पर भी और यहां पर भी, सब जगह पर अगर मैं डिवाइड में cos लगा देता हूं तो यहां से यहां tan बन जाएगा, यहां वन, यहां tan, यहां वन, यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे, एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू हमारी प्रूव्ड हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि इफ tan थीटा की वैल्यू cot 38 प्लस थीटा दे रखी है, फाइंड थीटा।
ऐसे क्वेश्चनों में हमें दोनों साइड में से किसी एक को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना होता है। ये कॉट है, ये टेन है, या तो इसको आप टेन बना लो या फिर इसको आप कॉट बना लो, दोनों को सेम करके और बाकी थीटा कंपेयर हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से क्या है, यहाँ पे टेन ए प्लस बी हमें गिवन है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो रूट थ्री दिया हुआ है, हमें ये सोचना है कि टेन में रूट थ्री कितने की वैल्यू होती है। टेन सिक्सटी, यहाँ टेन सिक्सटी रखोगे ए प्लस बी सिक्सटी आ जाएगा, यहाँ थर्टी रखोगे माइनस बी थर्टी आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, साइन कॉस में कन्वर्ट करके स्टार्टिंग कर देना करना, आराम से आके लास्ट में प्रूव हो जाएगा, सब कटपट जाएगा इसमें। यहाँ पे दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है, साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, यहां पर भी आप साइन कॉस ही कन्वर्ट करके चलेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, लेफ्ट और राइट दोनों सेपरेटली सॉल्व करना है इसमें, लेफ्ट राइट अलग सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना, तब जाके इसको दोनों को कंपेयर करा देना। प्रूव दैट sec 4 माइनस sec स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि या तो ये साइन कॉस में आएगा, या फिर ये tan sec में आएगा, या फिर ये cot cos sec में आएगा। क्वेश्चन इसी मतलब इसी बेसिस पर तीन बन सकते हैं। उनमें होता क्या है कि आप अगर लेफ्ट टू राइट बनाना चाहते हैं तो यहां से sec स्क्वायर कॉमन ले लेना और फिर क्वेश्चन को जहां जहां भी sec मिले उसे tan में कन्वर्ट कर देना, अपना प्रूव हो के आ जाएगा, करके देखना। डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो देख सकते हैं, 6396359262 दोबारा लिखी देता हूं मैं, 6396359262 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कोई भी डाउट हो उसको डाल सकते हैं, मैं आपको तुरंत रात के 12 और 1 बजे तक मैं आपको उसका आंसर्स दे दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही लिखे हुए हैं, आप इनको चेक कर लेना एक बार कि या तो साइन में आएगा sec 10 में प्रूव कराएगा, या फिर sec 10 में आएगा cos sin में प्रूव कराएगा। तो दोस्तों इस बात को तुम्हें याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, वो चीज तुम्हें ध्यान देनी है कि, लेकिन यही पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो sec और tan में कन्वर्ट होकर के इजीली सॉल्व हो जाता है, होने के लिए sin cos से भी सॉल्व हो जाएगा, बट आप sec और tan, इसकी मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं कि ये जो sec और tan लिखा हुआ है, आप कैसे भी, मैं इस क्वेश्चन को भी और इसको भी बता रहा हूं, आप पहले इस क्वेश्चन को आप cos से डिवाइड करके, यहां tan बन जाएगा, यहां पर 1 और यहां पर sec बन जाएगा, सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा। अब इसमें से या तो ऊपर वाला 1 या नीचे वाले 1 अकॉर्डिंग टू द प्रूव्ड, अगर आपको दिख रहा है कि नीचे प्रूव लाना है मेरे को, तो नीचे वाले 1 को sec और tan की आइडेंटिटी में तोड़ लो, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसकी जगह पे लिख देना, फिर उसे a प्लस बी और a माइनस बी में कर देना, आंसर हमारा आ जाएगा इजीली। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है, इसी के जैसे अब क्वेश्चन cot में भी आते हैं, वो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू, इसमें क्या है, इसे ए 3 प्लस बी 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब आप इसको ऐसे तोड़ लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब आप यहां पर ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था वही है, इसमें क्या है कि साइन कॉस, पहले आप एक काम कीजिए कि इसको कॉट या कॉसेक में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर साइन कॉस में कर लीजिए, टेन और सेक में, और पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसमें अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू दे रखिए, वाई की दे रखिए, यहां पर एक्स पुट कीजिए, वाई पुट कीजिए, आंसर एक बार में आ जाएगा, यहां पर आइडेंटिटी बन जाएगी सेक टेन में, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 17 से नीचे बनाए हैं दोस्तों, ध्यान से करके जाना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, इनमें से जो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा इन्हीं के अंदर से जाने वाला है। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी सेक थीटा प्लस कॉस एक थीटा क्यू, ये हमें प्रूव करना, आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलेंगे, राइट अपने आप बन जाएगी, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू पुट करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, आंसर बन जाएगा। जहां पर भी ये आइडेंटिटी बन रही हो उनकी, तो वहां पर उनको सॉल्व करके 1 वगैरह लिख लेना है। एम की वैल्यू दे रखी है, ये पुट करना है, आप पहले इसको 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके थोड़ा छोटा कर ले, फिर यहां पुट करेंगे, ऊपर साइन कॉमन आएगा, नीचे सब कट जाएगा, और आंसर हमारा ये आ जाएगा। एम की वैल्यू दे रखी है, और ये एन की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, एन की टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एन, एम और एन की दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड आप उठा के चलेंगे और आंसर निकालेंगे, अगर नहीं आता है तो राइट सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट टू राइट आराम से बन जाएगा, लेफ्ट से ही ये राइट बन जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा रूट टू कॉस थीटा दे रखा, सो दैट ये करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं बता दूं, इसमें क्या होता है कि बोथ साइड स्क्वायर करो और बोथ साइड स्क्वायर करके इसको ये जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर आएगा इधर स्क्वायर करने के बाद, इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रिक इसकी ये है कि जब भी आप इसको इसमें कन्वर्ट करें, ये भी सेम क्वेश्चन किस किस में बनता है, टेन sec में और cot cos sec में बनता है, सेम ही क्वेश्चन ये। तो इसमें भी प्रोसेस वही है कि यहां पर जिसको भी चेंज करना हो इसका होल स्क्वायर करके उसकी दूसरे की आइडेंटिटी में तोड़ देना, ये अपना आप रूट उसके साथ लग जाएगा, बाकी सारी चीज दूसरी साइड आंसर आ जाएगा। एक्स की वाई की जेड की वैल्यू दे रखें, ये हमें प्रूव करना है, होल स्क्वायर करके जोड़ो, होल स्क्वायर करके जैसे ही आप जोड़ोगे अपना आप आर स्क्वायर कॉमन आके बाकी सारे अंदर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा की आइडेंटिटी बन जाएगी, वहां से आ जाएगा। और यहां पे मैंने दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, ये है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी, प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए। इसमें भी यही करना है हमें कि होल स्क्वायर बोथ साइड में करना है, होल स्क्वायर करने के बाद यहां से आइडेंटिटी तोड़नी है इनकी। यहां पे जो ये ए कॉस स्क्वायर आएगा दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, जब आप होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में कर लो, यहां पर साइन स्क्वायर आएगा, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कर लेना, अपने आप फॉर्मूला इंटरचेंज हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बनेंगे, उनको दूसरी साइड में ले जाना, माइनस कॉमन ले लेना, प्रूव में आंसर यूं ही आ जाएगा। वन दे रखा है, प्रूव करना है, यहां से साइन स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जाके कॉस की वैल्यू निकाल लो, इसमें पर आके पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में से कल के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस लगेंगे जरूर, आने वाला जो एग्जाम है मैथ्स का उसमें जरूर लगेंगे, प्लीज वीडियो को जरूर देखें और सारे क्वेश्चंस आप ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करके जाएं, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आने वाला है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर कर लेना अपने दोस्तों में, और थैंक यू गाइज़।